सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। नेपाल सिंह ने जो देश की सेना पर अमर्यादित अशोभनीय और अमननीय जो भाषण दिया है उसके विरोध में हम समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने सुभाष चौराहे पे नेपाल सिंह का पुतला फूंका है और उनका विरोध किया है। जो बीजेपी के लोग फर्जी देशभक्ति और फर्जी राष्ट्रवाद का जो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। देश की सेना जो देश की रक्षा कर रही है, 0°C और -°C तापमान पे हम देश के नागरिकों की रक्षा कर रही है, ऐसे देश के सेना पर जो बयान दिया गया है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ और विरोध करता रहूँगा और हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग करेंगे जैसे सांसद की संसद सदस्यता समाप्त की जाए। प्रवीण यादव प्रदेश सचिव छाल सिंह ने जो भारतीय सेना के खिलाफ अमर्यादित और बेतुका बयान दिए हैं कि आर्मी की सेना मरती है और मरते रहेंगे जिसका हम लोग कोई उपाय नहीं कर सकते, ये देश के लिए बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अमर्यादित बयान है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज सुभाष चौराहे पे पुतला दहन करके मोदी जी का और नेपाल सिंह का विरोध किया। ये फर्जी देशभक्ति और फर्जी राष्ट्रवाद का जो पूरे देश को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, जो देश की सेना 0°C तापमान में -तापमान पे हमारे देश की रक्षा कर रही है, ऐसे नौजवानों के ऐसे भारतीय सेना के खिलाफ हम लोग बयान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे और हम लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग करेंगे कि ऐसे सांसदों को संसद में कतई प्रवेश करने का अधिकार नहीं है और हम इनका विरोध करेंगे। प्रमिल यादव प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी।